जय हो सरस्वती माता की। एक राजा के दो प्रसन्न थे, आपको बताते चलें। हमारे यूट्यूब चैनल कालियों के संसार में आप सभी सब्सक्राइबर और श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें कि दो प्रसन्न हैं, एक राजा के, कि संन्यास बड़ा होता है या गृहस्थ बड़ा होता है, कौन सा जीवन बड़ा होता है, उस कहानी में आपको लेकर चलूँगा। ध्यान से सुनिए, आपको बताते चलें। एक राजा थे, राजा के दो प्रसन्न थे और उन्होंने कहा, क्योंकि राजा होते उनकी उल्टी बुद्धि होती है, उन्हें जो जिद हो गई वो काम उनका होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते चलें, अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, अगर आपके ऊपर अधिकारी है, अगर वो आपसे कहेगा मुझे ये काम चाहिए तो चाहिए है, कैसे भी चाहिए, यही हाल होता है राजाओं का। उनके दिमाग में जो चढ़ जाए वो होना चाहिए। श्रोताओं, फिर राजा ने दूर दूर से विद्वान और सन्यासी आने लगे, क्योंकि जो एक सन्यासी प्रश्न बताता था उसे 10 रुपयां देता था, क्योंकि सबका जवाब ठीक नहीं बना। कोई कहता था कि गृहस्थ जीवन बड़ा होता है, क्योंकि सन्यासी गृहस्थ जीवन से ही बड़ा होता है। कोई कहता है सन्यासी जीवन बड़ा होता है, सन्यासी जंगल में रहता है। कोई कहता है गृहस्थ जीवन बड़ा होता है। इसमें बैठ छिड़ गई, मगर राजा का उत्तर कोई नहीं दे पाया, क्योंकि वो सबका उत्तर काट देता था राजा। यहाँ की तक की बात की, उसने बहुत सारे विद्वान और पंडित आए और देश देश के ब्राह्मण आए, कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। फिर उसने एक सबको एक कारागार गृह में डाल दिया, बहुत बड़ा उसका कारागृह था। क्योंकि फिर इसी को लेकर एक महान तपस्वी जिन्हें ऋषि कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत तपस्वी ऋषि पड़े हुए हैं, वो एक बार उसके शहर उसके राज्य की तरफ से निकले। तो एक लोगों ने कहा, चलो इन बाबा जी को मैं ले चलता हूँ, इनसे उनके सवाल के उत्तर जानूँगा, फिर उसके बाद मैं 10 रुपया लूँगा। फिर वो बहुत विद्वान। श्रोताओं, मैंने नल पुराण का इतिहास के सारे एपिसोड भाग प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जो भी नल पुराण का इतिहास देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखो, आक्रोश था, क्रोध था कि इसने बहुत ही विद्वान बहुत ही पंडितों को कारागृह में डाल दिया है। उन्होंने आए राज्य दरबार में कि राजा मैं आपको प्रश्न के उत्तर जरूर दूंगा, मगर आप प्रश्न आपके उत्तर मेरी तरह होंगे, बीच में आप टोकोगे नहीं। अगर आपने टोक दिया मैं आपका राज्यपाट सब यहीं पर नष्ट कर दूंगा। राजा बोला, सही बिल्कुल। फिर उसके बाद में ऋषि मुनि जो महान तपस्वी थे उन्होंने कहा, चलो मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, मगर यहाँ नहीं जंगल में दूंगा। चलते चलते दोस्तों श्रोताओं, जब राजा चल दिया, सर्दी का मौसम था, हल्के हल्के ठंडे पड़ रही थी, रास्ते में चलते 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 रात हो गई, क्योंकि वो सन्यासी थे, राजा तो महलों में लेट सोता था और जंगल में महल कहाँ रखे थे, उससे ठंड लगने लगी। जब रात में सायंकाल का समय था तो राजा ने बाबा से कहा, हे बाबा बताओ यहाँ कहाँ रुकेंगे। फिर उसके बाद में तो बाबा ने कहा, ये वृक्ष है, इसी के वृक्ष के नीचे मैं रात गुजार दूंगा, यहाँ तो सन्यासी जीवन है, मुझे घर बार से क्या मतलब है, जहाँ मिल गए वहाँ लेट रहें। तो राजा बोला, मुझे तो ठंड लग रही है, लेट गए दोनों लोग। तो संत ने कहा कि अगर आपको ठंड लग रही है, जंगल है, यहाँ से लकड़ी इकट्ठी कर लो और आग लगा लो, उसके पास बैठ कर आप सारी रात्रि काट सकते हो। फिर श्रोताओं, राजा ने लकड़ी एकत्र करना चालू कर दी। जब एक लकड़ी थी वो इकट्ठी कर ली, अब उनके पास रात में, क्योंकि जंगल का समय है, मगर वहाँ माचिस तो है नहीं, अग्नि तो है नहीं, फिर अग्नि कैसे प्रचंड करेंगे। फिर वो बोला गुरु से, ये संत कि मैं अग्नि अब कहाँ से लाऊँ, मेरे पास तो माचिस भी नहीं है। फिर संत बोले, जब लकड़ी भी इकट्ठी हो गई, माचिस अग्नि का भी इंतजाम हो जाएगा, सब ईश्वर करेंगे, भगवान करेंगे, परमात्मा करेंगे। फिर क्या हुआ श्रोताओं, जिस वृक्ष के नीचे लेटे थे उस वृक्ष पे एक तोता रहता था, एक मैना रहती थी, क्योंकि तोता और मैना आपस में बतला रहे थे कि
हे मैना देखो, हमारे घर के सामने हमारे दरवाजे पे दो व्यक्ति हैं और इसे ठंड लग रही है, इसे अग्नि की व्यवस्था करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अगर किसी के घर पे कोई आ जाए मेहमान तो उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। फिर जो तोता था वो चल दिया, चलते चलते उड़ते उड़ते एक राजा का आश्रम पड़ा, एक ऋषि मुनि का आश्रम पड़ा। वहाँ एक धूना लगा था, जो धूना लगा था वहाँ से उसने एक लकड़ी निकाली और लेके आके और उसी लकड़ी में एकत्रित कर दी, जिससे आग जलने लगी। हाँ गुरुदेव, सही किया, ये भगवान सब कुछ करते हैं। थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो संत थे उन्होंने अपनी माया का प्रकोप उसे दिखाया, उसे भूख लगने लगी, तेज से भूख लगने लगी कि महाराज, हे राजा, बोले संत, हे बाबा, मुझे भूख लग रही, क्या करें? तो राजा ने कहा, आपका भी इंतजाम भगवान ही करेंगे। राजा ने कहा, संत बोले कि मैं अपनी तपस्या में लीन हो रहा हूँ, तब तक तुम अग्निदेव के पास बैठो। राजा को बहुत भूख सताने लगी। फिर क्या हुआ सिरोताऊं, जो तोता मैना से कह रहा है कि हमारे गेट पर अगर कोई भूखा आए तो उसे भूखा नहीं सुलाना चाहिए, किसी के घर पे मेहमान है तो उसे भूखा नहीं सुलाना चाहिए। फिर तोता ने मैना से कहा, हमारा गृहस्थ जीवन है, हमारे चार बच्चे हैं, तो हमें एक बच्चे को इस आग में डाल देना चाहिए जिससे इसकी भूख मिट जाए। तभी हर का घर का तीन बच्चे हर के रहेंगे। फिर तोता ने अपने एक बच्चे को उस आग में डाल दिया। जैसे ही डाला, छोटा बच्चा था जल्दी बुझ गया, और उसके बाद में श्रोताओं, राजा ने निकाला और झट से खा लिया। खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। फिर कहने लगा, गुरुदेव मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। कहते कहते श्रोता, फिर तोता ने सुनी है कि हे मैना, इसकी भूख नहीं मिटी है। फिर तोता ने अपना दूसरा बच्चा डाला, फिर उसने भूजा, फिर खा लिया। श्रोताओं, इस पे माया रूपी का प्रकाप था गुरु जी का, जिससे उसे लगातार भूख लगती रही। इसी तरीके से तोता और मैना ने अपने चारों बच्चे डाल दिए, मगर तोता ने अपना गृहस्थ जीवन निभाने के लिए, मगर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी राजा की। और जो संत थे तपस्या कर रहे थे, वो अंतर्यामी थे, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर श्रोताओं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कहानियों को संसार पर बहुत ज़बरदस्त कहानियां आप तक पहुंचाता रहूँगा। श्रोताओं, जब चार बच्चों को खाने के बाद में राजा की भूख नहीं मिटी, फिर तोता मैना में बह छिड़ गई कि अब तुम हम आग में कूद कर अपनी जान दे के इसकी भूख मिटाऊँगा। तोता कह रहा पहले मैं कूदूंगा, मैना कह रही पहले मैं कूदूंगी। तोता कह रहा मैं कूदूंगा, मैना कह रही मैं कूदूंगा, इसका अपने गृहस्थ जीवन निभा के इसकी भूख मिटाऊंगा। ऐसे कहते 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 दोनों लोग स्वयं उसमें कूद गए। जब कूद गए दोनों लोगों को भूज के राजा ने खा लिया, दोनों लोगों को खा लिया। उसके बाद में जब सुबह हुआ, राजा सो गया, नींद आ गई। सुबह अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद में नहाया धोया, और राजा जो गुरु जी थे संत थे वो तपस्या से लीन होके उठे और कहा, राजा चलो। राजा चल दिए। रास्ते में जो संत थे उन्होंने एक माया रूपी एक बहुत बड़ा राज्य का संचालन किया, शुरू किया, रास्ते में एक राज्यपाट बनाया। तो वहाँ पे जो राजा थे एक, उसने अपनी पत्नी का उसे विवाह करना था, और उसने स्वयंवर रचा था। स्वयंवर में उसकी एक शर्त थी, जो स्वयंवर में शर्त थी कि एक भट्टी थी, उस पर कढ़ाई में एक गर्मा गर्म तेल खौर रहा था, गर्म हो रहा था। उस तेल में जो स्नान कर ले उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह हो जाएगा और उसे राज्यपाट मिल जाएगा। श्रोताओं, जब राजा ने सारी बात गुरु जी को बताई, संत जी को, संत बोले चलो हम चल रहे हैं आपके साथ, देखूंगा मैं आपकी शादी कराऊंगा। फिर दोस्तों से रोता हूँ, गुरु जी और राजा को लेके पहुँच गए उसी स्वयंवर में। फिर राजा से कहा, वहाँ बहुत बहुत बड़े राजा नरेश, बहुत बहुत दूर के देश के विदेश के राजाओं की सभा लगी थी, मगर सबकी गर्दन नीचे थी सर्ग मारे, क्योंकि जो उस तेल में स्नान करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि इतना गर्म तेल था। फिर राजा से कहा कि राजा तुम स्नान करोगे? राजा बोले मैं नहीं करूंगा, मुझे तो मर जाऊंगा। तो
राजा ने फरमान जारी किया। राजा ने कहा कि मैं अपने राजा के बदले, गुरुजी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा, मैं इनके नर्तव्य में मैं स्नान करूंगा, इसके बदले में आपको शादी मेरे राजा के साथ करनी होगी। राजा ने कहा सही है, उसके बदले आप करोगे तो बहुत अच्छा। जो गुरु जी थे, संत जी थे, उन्होंने अपने सारे कपड़े निकाले और उस तेल में गर्म में स्नान के लिए चले गए। जब स्नान के लिए गए, क्योंकि वो तपस्या रूपी थे, अपनी अंतर आत्मा और शक्तियों से अवगुढ़ थे, उन्होंने कहा राजा इस भट्टी में जितनी आप पे लकड़ियाँ हो सब डालो, क्योंकि ये तेल बहुत ठंडा है। श्रोताओं, तेल बहुत ठंडा है, लकड़ियाँ राजा ने बहुत डाली, फिर उसके बाद उन्हें कुछ नहीं हुआ, बाहर निकले। फिर जो राजा था संग में, उसकी उसकी लड़की से शादी करवा दी और चल दिए। शादी करवाने के बाद में राजा फिर अपने राज्यपाट में पहुंचा, जहां उसने अपने विद्वान पंडितों और साधुओं को बंद कर रखा था। फिर राजा ने कहा संत से कि मुझे जवाब आपने नहीं दिए। फिर संत ने अपने लुटिया निकाल के उसके मारी, राजा अरे तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तुझे ये नहीं पता है कि संन्यास बड़ा होता है, गृहस्थ बड़ा होता। देख, जब तुझे रात में वृक्ष के नीचे भूख लगी थी, मैं तुझे देख रहा था, क्योंकि जो तोता था उसने पहले अपना एक बच्चा फेंका, तेरी भूख नहीं मिटी, फिर उन्होंने दूसरा फेंका तब भी नहीं मिटी, तीसरा फेंका फिर भी नहीं मिटी, चौथा बच्चा उसने फेंका फिर भी तेरी भूख नहीं मिटी, क्योंकि तुझसे तो अच्छे वो पक्षी हैं जिन्होंने बाद में अपने तोता और मैना ने अपनी कूद कर जान दे कि तेरी भूख मिटाई। बता गृहस्थ जीवन बड़ा था या संन्यास जीवन? हाँ महाराज, हाँ संत मुनि, हे बाबा, गृहस्थ जीवन वास्तव में बड़ा है। और उसके बाद में जब तू शहर में गया, वहाँ जब स्वयंवर रचा था वहाँ, उसके बाद में बहुत संत बैठे थे, दूर दूर से नरेश आए थे संन्यास, और उसके बाद में सारे लोगों की गर्दन नीची थी, तेरे नर्तक भी मैं संन्यासी हूँ, मैं बाबा हूँ, मैंने स्नान किया और तेरी शादी करवाई। बता संन्यास जीवन बड़ा है, गृहस्थ जीवन बड़ा है, संन्यास जीवन बड़ा है? क्योंकि मैं राजा आज आपको बताऊंगा, अरे मूर्ख, तुझे मैं बताता हूँ कि राजा में बुद्धि नहीं होती, उल्टी बुद्धि का होता है, जो चाहे वो कर सकता है दो मिनट में, मगर वो सोचा विचारी नहीं करता है, राजा दिमाग नहीं लगाता है। संत ने कहा ये मूर्ख, पहले ध्यान से सुन, अपनी जगह पर वैराग्य जीवन भी बड़ा है, संन्यास जीवन भी बड़ा है, अपनी जगह पर गृहस्थ जीवन भी बड़ा है। देख, वहाँ पर गृहस्थ जीवन बड़ा है, जहाँ पे गृहस्थ जीवन काम में आए, लोगों को घर पे कोई मेहमान आए वो भूखा ना जाए, उसके दरवाजे से अपने आप को चाहे खाने को नहीं हो मगर मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए। और संन्यास जीवन वो बड़ा है, अगर कोई हो तो संन्यासी अपनी जान देकर और अपने राजा के प्राण बचाए, वो संन्यास जीवन बड़ा होता है। राजा के दिमाग में फंसा और समझ में आया। फिर संत गुरु जी ने कहा आज तक जितने तूने विद्वान और पंडित और महापुरुष बंद किए उनको तत्काल कारागार गृह से रिहा कर, उनसे सबसे अपनी माफ़ी मांग, उनके पैरों पे पर के। उसके बाद में सब लोग बाहर आ गए, सबको माफ़ कर दिया। राजा संत गुरु सन्यासी के चरणों में गिर गया। हे महाराज, हे संत ऋषि मुनि, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो, एक मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ मुझे उससे कोई गलती हो तो अपना भैया बच्चा समझ कर क्षमा कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।